हमारा हाई स्कूल में 86% रहा, लेकिन इंटर में फिर टॉपर में इलाहाबाद में नाम रहा, 93% ले आए रहे। डीएम से लैपटॉप के मौका मिला रहा ले के। ये एसएससी हम कभी सर एसएससी का फॉर्म भरते ही नहीं थे, जेई का ऑफिस रहा, सीपीडब्ल्यूडी घूमे गए ऐसे देखा, अरे इंशाल्लाह जेई के इतना भोपाल बाटे। क्वेश्चन थोड़ा बीटेक से अलग आवा था ना, कुछ क्वेश्चन रहा था, फिर 25 क्वेश्चन रहता है कम से कम, जो डिप्लोमा से मिनिमम 20 ही दिन के टाइम रहा था, तो 20 दिन हमारे लगे रहा, वहीं के एकदम पटक के सोना बनाई दिया। हाँ कलेजा पत्थर रख के एकदम सर्च करा, देखा नाम रहा पापा के नाम, पोस्ट वोट देखवाई नहीं भाई, खुशी से पागल हो गए कि चला हो गएगा। कटाप उठाप देखी हमका, अरे बहुत बड़ा काम छोड़ेगा है। क्वेश्चन वोश्चन देखी तो हमका, है तू क्वेश्चन साला ही तो हो ही जाए। क्रेजी जीके के रहा, 25 क्वेश्चन में 23 नंबर ले आओ, रहे मनोबल एकदम हाई हो गया रहा। बस यही भाई एक चीज बड़े लगवा, सिलेक्शन होए। हम ही नहीं कहते ये कई बार में होए, 2 बार में हो सकता था, लेकिन होए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई, एंड एज इस फाउंडेशन डे हाइस्ट रैंक 3 साल लाजवाब, एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफर्स एंड मेगा लॉन्चेज। ये ऑफर रहेगा सिर्फ 27 मई से लेकर 2 जून तक, बट ड्यू टू हैवी डिमांड द ऑफर इज नाउ एक्सटेंडेड टिल 5 जून, 5 जून तक ये ऑफर आपको बढ़ा दिया गया है। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया है और नहीं दिख रहा है कि स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर बनकर, चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएससी हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, सभी एग्जाम्स की तैयारी होगी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ, वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि आपको कोर्सेज मिल रहे हैं अशोका बैच और इंजीनियर्स बैच जो कि 2999 में मिल रहे थे, बट इस समय आपको 1999 रुपये में मिल रहे हैं। ये बैचेज आपको मोस्ट अफोर्डेबल रेट्स पे अवेलेबल है, एंड यहाँ पर आपको एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन के साथ। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टार्ट आउट क्लासेज, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन सब प्रोवाइड किया जाएगा। और पीडब्ल्यू कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडब्ल्यू का लिंक मिल जाएगा, वहां पर पीडब्ल्यू पे लिंक क्लिक करके परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप, ED250, जिसमें आपको ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल जाएगा। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, देर मत करिएगा, ऑफर का जल्दी फायदा उठाइए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी 2022 की इंटरव्यू सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज हम अपने साथ ऐसे गेस्ट को इनवाइट किए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रहने वाले हैं। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर इलेक्ट्रिकल वालों का भी वीडियो लेकर आइए और रैंक अच्छी खासी हो, तो ऑल इंडिया 5 रैंक में रहने वाली है, तो इनकी कैटेगरी वाइज रैंक रहेगी, और भी सारी चीजें डिटेल से हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक कुमार जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको इनवाइट करने के लिए। और जिनको नहीं पता है वो बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि इनका और मेरा घर लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर रहने वाला है, तो दोनों लोग प्योर इलाहाबादी रहने वाले हैं, तो कुछ लैंग्वेज आपको बीच में इलाहाबादी भी मिलने वाली है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। इलेक्ट्रिक वाला से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कमेंट करके बताए कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या चीजें उन्हें सीखने को मिली। तो विवेक जी सबसे पहले हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं कि कहां से है और कितना पढ़ाई करे या कहां से पढ़े हैं। जैसा कि अब हाँ बताया है तू लड़कन के कि हम पढ़ा यहाँ इलाहाबादी है, हम हाई स्कूल अपन सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज नैनी से वहीं से इंटर करे है। हमारा हाई स्कूल में 86% रहा, लेकिन इंटर में फिर टॉपर में इलाहाबाद में नाम रहा, 93% ले आए गए। डीएम से लैपटॉप के मौका मिला रहा ले के, और बाकी सब सम्मान मिलल रहा। उसके बाद हम MNIT से बीटेक करा, जस्ट जैसे इंटर पास करे है, सेल्फ स्टडी कह के IIT जेई मेंस निकाले रहे, उसके बाद तुरंत हमारे मोतीलाल में सिलेक्शन भा, वहां से बीटेक करा। ओके बाद बीटेक हमारे 2019 में कंप्लीट भा, फिर हम दिल्ली चला गए, फिर 1 साल वहां कोचिंग करा। ओके बाद ऐसे ही था मेरा सर जर्नी। चला ठीक है, तो 2019 ये SSC कौन कैसा अटेम्प्ट आई आपके?
ये SSC, हम कभी सर SSC का फॉर्म भरते ही नहीं थे जब शुरू में गए थे कोचिंग वहां दिल्ली में, तो इतना वो पता नहीं होता था हमको, तो हम ये नहीं भरते थे। बाद में हमको जब आइडिया लगा ये, तो फिर हमारा ये सर पहला आइटम रहा। इतना स्कोर आपका प्री में था टेक और नॉन टेक में मिला टेक के? और नॉन टेक में सर ऐसे तो हम नहीं देखे क्योंकि स्कोर कार्ड उसमें तो टोटल दिखाता है ना, तो उसमें टोटल दिखावा रहा हमारे 110 नंबर। 110 नंबर? चलिए ठीक है, आपके कैटेगरी वाइज से आप हो गए थे। तो हम जानना चाहेंगे हाँ, तैयारी से कैटेगरी रिलेटेड, ये जो तैयारी आप 2019 से कर रहे हैं वो किस प्रकार से वाइज स्टार्ट किया आपने तैयारी करना अपने जॉब के चल लिए? रहा। हाँ शुरू शुरू में रहे तो गेट ESE के क्रेज रहा, तो वही क्रेज में घुस गए, गए मेड जी में एडमिशन लिया, पढ़ाई करा, एक साल जम के पढ़ाई करा, रात दिन कोचिंग चलती थी मेड जी कोचिंग, रात दिन चला था हमारे, दिन भर सवेरे बुलाई नहीं संझा छोड़ी, फिर सो के उठ दो फिर जा, तो वो दिन रात पढ़े उसके, एक साल पढ़ा, उसके बाद तो फिर नौकरी के फॉर्म वॉर्म भरे लगे, उसके बाद कोरोना आई गया, जिंदगी ऐसे ही बर्बाद थी लड़कियन के, न फॉर्म आवाई न कुछ आवाई, फिर बैठा रहे पढ़त रहे पढ़त रहे, फिर एक समय देखा एक CPWD मिलता है SSC JEE से, तो वहाँ एक जने के हम देखे रहे उसका SSC JEE का ऑफिस रहा, CPWD घूमे गए ऐसे देखा, अरे इंशाल्लाह JEE के इतना भोपाल बाटे, तो हम वही फिर हम देखा कौन फॉर्म भरा जाते, पता चला SSC से फॉर्म आवा था, तो फिर हम फॉर्म भरा 2022 में, तो फिर जाई के फिर प्री दिया, प्री निकला, प्री के आशा नहीं रही हमारे के प्री निकल जाए, हम एकदम छोड़ दे रहे कि अरे ना होए, क्वेश्चन थोड़ा बीटेक से अलग आवा था ना, कुछ क्वेश्चन रहा था, फिर 25 क्वेश्चन रहता है कम से कम जो डिप्लोमा से रहता है रिलेटेड, अर्थिंग वर्थिंग वगैरह हुआ, तो वो सब डिप्लोमा वो सब हमें बीटेक में नहीं पढ़ावा जाते, तो हम सोचा कि अरे का क्वेश्चन आ गया, चनके ही देखा, अब थोड़ा बहुत जोन पता रहा बेसिक तो का निपटाई दिया, और बाकी फिर देखा कि हमका लगत ना हो पाए नंबर कम आवत बा, फिर देखा तो नंबर के हुए कि नहीं आवत रहा, देखा एक दिन नाम आई गया हमका है, लड़किया बतावत रहा एक के वो भुआ बाटे 180 रैंक के आसपास बा, बतावत रहा कि हो ही जाए तुम्हार हो ही जाए, हमका ना ही मानना हो तुम्हारा हो ही जाए, उनका 140 नंबर रहा, उन्होंने इंटरव्यू दही आपके चैनल के, वो बताए कि हो ही जाए, फिर वही फोन करे से एक दिन हम 7 बजे खाए के वही नाश्ता करके लाइब्रेरी जाते रहे, फोन करें रिजल्ट देखा हमका रिजल्ट आ गया, हमका भवा तो हार कहे हाँ हो गया, देखा रिजल्ट नाम आ गया रहा हमका चल हो गया, फिर शाम के गए बुक ले आवा शॉप मेड शॉप से तुरंत ESE उसका मेड जी का प्रीवियस ईयर मिलता है वहाँ लाडो सराय में, वहाँ गए तुरंत बुक ले आवा, और फिर वही दिन से पढ़ाई स्टार्ट करा, टाइम कम रहा जबकि पता होता कि रिजल्ट जब आवा था 20 ही दिन के टाइम रहा था, मिनिमम 20 ही दिन के टाइम रहा था, तो 20 दिन हमारे लगे रहा वही के एकदम पटक के सोना बनाई दिया, जैसे टाइम मिला वही पटक के सोना बनाई दिया, वही में फिर हमारा देखा तो रिजल्ट, और रिजल्ट देखे की हिम्मत नहीं भाई, एक तो केवे से सोई रहा चार सुने रहे रिजल्ट डिले होत बा, तो हम एकदम छोड़ दे रहे कबा ना आए, हम जाई वाला रहे घरे आए रहे बहन की शादी में, सोचा आप चल दिल्ली, तो ना ही फिर देखा एक दिन फिर फोन आये लड़कवा के कहे रिजल्ट आई गए, और हम गलती से वही नहीं बताए वो अपन रिजल्ट नहीं देखे रहा हूँ समय, उसका फिर फाइनल रिजल्ट देखे हिम्मत नहीं भाई, कहे रिजल्ट आई हमका रखो फोन हम देखते हैं, फिर देखा टेलीग्राम खोला और गलती से वहां PDF स्कोर कार्ड वाला कट ऑफ वाला डाउनलोड हो गया, इलेक्ट्रिकल के कट ऑफ देखा तो एकदम का होते माथे से पानी गिरे लगा, अरे इतना कट ऑफ हो गया खत्म कहानी, और फिर दूसरा डाउनलोड करा PDF जब में नाम वाला रहा उनमें, फिर सर्च करा हिम्मत करके कलेजा पे पत्थर रख के एकदम, कलेजा हाँ के कलेजा पत्थर रख के एकदम सर्च करा, देखा नाम रहा पापा के नाम, पोस्ट वोस्ट देखवाई नहीं भाई खुशी से पागल हो गया कि चलो हो गया, हाँ नौकरी मिल गई बा, फिर थोड़ा 5 मिनट बाद देखा तो पता चला CPWD मिलल बा, फिर उसके बाद कटाव उठाव देखा हमका लगातार मेन से फोड़ दे है पूरा नंबर आई है बात, बस ऐसे ही जर्नी रही, तोरे दोस्त के काम हुआ फिर? वो दोस्त हमारे उज्जवल है बहुत बढ़िया दोस्त है हमारे, वो दोस्त के हमारे CPWD हो गया बा, दोनों साथी एक साथे है, उनका उनका रिजल्ट के देखे तो देखा भी होते हैं रिजल्ट हम ही देखा, फिर हम कहा तू प्री में देखे रहे चले, हम तो आर में से देखी था, मेंस में देख ली। सर्च करा उन्हों के नाम रहा CPWD में, फोन करा हमका हो ही गया, कहे सही बताओ हम कहा हो ही गया यार, कहे अरे बहुत सही फिर हो ही गया, कभी बीच में डर नहीं लगा कि इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेक्शन कम होता है, हाई रैंक जाती है, तैयारी अरे उतनी बहुत खास डर है रहा, नहीं? सीट सीट कम रही है, तो सिविल के देखी 2200 इलेक्ट्रिकल के देखी 500, पैसे ही सार मोटिवेशन डाउन हुई जाए, लेकिन हम कहा नहीं होए, कटाप उठाप देखी हम कहा अरे बहुत बड़ा काम थोड़ा हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन देखी थे हम कहे क्वेश्चन साला ही तो हो ही जाए ये मेका दम्बा, फिर हो ही गया, फिर लगा
थोड़ा डिप्लोमा वाला चैप्टर रहा यूटिलाइजेशन वाला, ओका थोड़ा अच्छे से करा, कहे बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गलते ही रही है वहाँ, और बाकी जो डिप्लोमा के थोड़ा कोर्स अलग रहा था थोड़ा वो पढ़ा, यूटिलाइजेशन वगैरह यूथ यूथ से पढ़े थोड़ा, और थोड़ा अपन ऑनलाइन सर्च वर्च का एक पढ़ा, हमको तो कोचिंग करे ना ही रहे डिप्लोमा वाली, तो हम थोड़ा अपन यही ऑनलाइन सहारा लिया, फिर अपन खुद के नोट्स बनावा प्रीवियस ईयर ये सब मिला के, जो भी 20 दिन मिला ऊपर खुद के नोट्सो बनावा कि 2-3 दिन पहले फिर से रिवाइज कर ले भाई, फिर 2-3 दिन पहले वही मिल के दोनों जने नोट्स बनावा, एक के बढ़िया नोट तैयार करा, और फिर दोनों जने डिसाइड करा कि अगर एक रेस बाहर आए तो न तो हार हुए न हमार हुए, जिंदगी एक ही साथ लड़ेगी बा, फिर वहूं को भवा हमारो भवा, वो नोट सेशन बनावा सर के उसे बाहर हो गए नहीं। ये बताओ फ्री के पहले टेस्ट होस्ट दे रहा कि डायरेक्ट पेपर अटैक दे रहा? अरे टेस्ट होस्ट कुछ इतना टाइम में नहीं रहा सर, आपके बताओ थे 20 दिन रहा, हमें पूरा पढ़ ले हम सही से फ्री के बात कर रहे थे, मेंस के नहीं फ्री के पहले। अच्छा फ्री के पहले तो वही बस थोड़ा एक टेस्ट हम करंट अफेयर के फ्री दे रहे, करंट अफेयर थोड़ा हमका रिविजन करके रहा, रिविजन करके थोड़ा टेस्ट दे के थोड़ा अपने आप के देखे रहा, क्रेजी जीके के रहा 25 क्वेश्चन में 23 नंबर ले आओ रहे, मनोबल एकदम हाई हो रहा, टेक्निकल के टेस्ट रीजनिंग पढ़े रहे यूट्यूब से अलग अलग चैनल से, मतलब हर टॉपिक अलग अलग जेका ट्रिक सही मिल जाए वही पूरा पढ़े रहे। ये फुल 200 नंबर वाला कहा टेस्ट दे रहा है? नहीं 200 वाला सर हम को तो टेस्ट नहीं दे रहे, एक तो टेस्ट बुक पे खरीदे रहे आईडी, टेस्ट नहीं दे पाए रहे, टाइम ही नहीं रहा उतना, शुरू में हमारा लगा रहा कि ना दे भाई, फिर लगा कि चला दे दे, उस समय कोनो एग्जाम एक्चुअली यही वही वाला लगल नहीं रहा, फिर हम कहा चला हुआ हाँ नवंबर में एग्जाम रहा, उसमें यही वही वाला कोनो एग्जाम ही नहीं रहा, हम क्या हुआ यही देखी थे कौन चीज है, फिर एका करा वही 1 महीना मुश्किल से करे हो भाई 25 दिन सब भना भन निपटा, वही बाकी हम 25 दिन करा लेकिन रात दिन करा, न दिन देखा न रात, सिलेक्शन होगा सीपीडब्ल्यू टीम में नाम आई। हाँ यही बाकी जो 25 दिन मिला हमका वही में 25 दिन एक एक चीज बड़े लगा, बस यही बात एक चीज बड़े लगवा सिलेक्शन होए, हम ही नहीं कहते कई बार में होए, दो बार में हो सकता था लेकिन होए। इतना बड़ा सब्जेक्ट लाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, एक पढ़ा था दूसरा पढ़ा तीसरा बुलाया जाता था, कैसे दोहरावा कैसे रहा? हाँ ये रहा सर की पढ़त रहे थोड़ा बहुत पहले से पढ़े रहे तो ये रहा कि शॉर्ट नोट्स बनावत रहे, वो छोट छोट आवत है ना रंगीन पेपर जैसा, हमें लिख के चिपकाई दे, तो है हमहू करे रहे, हमहू ले आए रहे, लड़का देखा लड़का करत है लाइब्रेरी में, हमहू गए खरीदे 20 रुपया के ले आवा, हमहू लिख लिख लगे चिपका वही, फिर बाद में पढ़ाई लगी तो थोड़ा फायदा लगे, हम कहा सही चीज बा यार, भूलत रहे फिर जैसे आई बैठी ऐसे निगाह चली जाए फिर चाटे फार्मूला याद हुई जाए, हमका सही चीज बा, फिर वही ऐसे थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बनावा थोड़ा बहुत डायरी बनावा ऐसे लिखत रहे शॉर्ट शॉर्ट जो ना याद हुई पावे, फिर ऐसे ही करत रहे होइगे होइगे, फिर फाइनल लाइब्रेरी में कितना घंटा पढ़त रहे? लाइब्रेरी में सर हम सवेरे जैसे ही आंख खुले एकदम सच बतावत है न कुल्ला करी न कुछ करी, फ्रेश हुई हम अगर लाइब्रेरी में जाके फ्रेश हुई तुरंत पहनी टी शर्ट और तुरंत बैग उठाई और तुरंत चल जाई, 2 मिनट समय लगा रहा मुश्किल 3 मिनट। कई बजे उठत रहा सवेरे? हम सवेरे जैसे हम आवत है राती में कहो 2 बजे आई कहो कई बजे आई जाई तो 2 बजे रात रहा मैक्सिमम हमार, 2 बजे आई जाते रहे तुरंत खाना खाई, हम रात तक खाना खाते रहे, आई पहले खाना खाई पेट पेट पूजा करी ओकरे बाद फिर आधा घंटा मोबाइल चलाई का कुछ मैसेज फैसेज आई बा कुछ इन्फॉर्मेशन बा कहूँ से रिलेटेड ओका देखी, फिर मैसेज चलाते चलाते मोबाइल बगले रखती सोई जाई, फिर उठत रहे वही हम 8 साढ़े 8 कहो 9 बजे मैक्सिमम 9 बजे तक उठ जाते रहे, प्रिपरेशन ही वाला SSC जेई की प्रिपरेशन स्टेज में 9 बजे तक उठी तुरंत 5 मिनट लगे तुरंत चल दे, कभी कहो ना उठ पावत रहे तब खाना बनो वाले हम रही आवत रही तो गेट खटखटा हुई तब उठ पाई तो हम तब उठत रहे तब तुरंत पहनी तुरंत चल दे, और देखता ही रहा अरे भैया मंजन वंजन कर लीजिए हम कह रहे कुछ नहीं सब तरफ बाद में तुरंत चल देते रहे, फिर हाँ और फिर आवत रहे वही लंच में 1 बजे के आसपास 2 बजे के फिर लंच करी, फिर कभो कभो आधा घंटा सो लेते रहे 1 घंटा नहीं तो फिर चल गई, फिर शाम के चाय वाय पी फिर पढ़ी फिर चाय पी फिर पढ़ी फिर सीधा संध्या आई खाना खाई। अरे वाले कैसन ये 4 साल तैयारी करा रहे के दिल्ली में, अरे वाले कुछ बोला? अरे वाले वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जानता लड़का टैलेंटेड बा मोतीलाल से पढ़े बा कुछ ना कुछ करवाई करे, पूरा घर वाले पूरा सपोर्ट करते रहेंगे ठीक हो पापा पढ़े बाकी बाकी हम मामा के यहाँ रह के पढ़त रहे नैनी में,
हमार मामा को फोन करें तो ना कहा कह रहे कहा नहीं हो तुबा ऐप में नहीं भवा उप में नहीं भवा कहा हमेशा लगे रहो मेहनत करो बस यही बोलत रहे। जब तोहार हो ही गया सीपीडब्ल्यू टीम में सबसे पहले केका अरे केका बताया सबसे पहले हम घर रहे मामा के फोन लगावा का कहन मामा के हम का मामा हो ही गया कहे के मैं भवा का सीपीडब्ल्यू टीम हो जाएगा बस कहन अच्छा चलो बहुत बहुत बढ़िया हुआ फिर बताएं कहन चलो ठीक हुआ पढ़ाई अपन कंटिन्यू रखे स्टॉप ना हो जाए अपन पीछे से आईएएस के देख रहे अब वही टारगेट रखे बाकी अब सही बा उसे नीचे उसे ऊपर कुछ बा नहीं हमका हाँ हाँ वही टारगेट बा वही निपटाऊ वही ये स्टेबल हो गया है कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा जो लड़का भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम और एसएससी और रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज एसएससी रेलवे ये दोनों में कंफ्यूज है कि कौन चुनी कौन तैयारी करे तो उनका क्या कहा बाकी क्या करे इंजीनियरिंग सर्विसेज और एसएससी और रेलवे में कंफ्यूज है हाँ एक तरफ इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और एक तरफ एसएससी रेलवे या स्टेट एक ही चीज कहा भाई अगर गेट करबा तो कुछ ना कही पाऊबा और इंजीनियरिंग सर्विसेज करबा सब कही लेगा यह मूल मंत्र है जिंदगी के। एक साल हम गेट कही ले रहे देखा कुछ नहीं हुआ नंबर ज्यादा नहीं आए पास ही हो पावा तो फिर वहीं से एडमिशन हम एमटेक में अपन ले रहे हम टेकअप करे है हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से भोपाल से तो वहां से हम टेकअप करे है हम तो हम वही कहा कि हमका लगा था ही गेट हमारे बस के बाहर नहीं हो ही ना पाए फिर दोबारा हम प्रयास नहीं करा लेकिन बार प्रयास करी तो शायद हो ही जाते लेकिन हमारा दो हिम्मत ही नहीं हुई एक तरीके से भी फिर हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में लगा रहे फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम देते रहे फिर वही में ये बात वही एग्जाम से सब एग्जाम में फिर कहो यूपीपी से ले ही भवा तो हमने चार नंबर से छट गए बाकी एग्जाम भर तो वैसे एक नंबर से आधा नंबर से ऐसे छटत रहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के बदौलत बाकी एग्जाम दी बाउंड्री पे जाए ऐसे हाँ तैयारी धुआंधार करी लेकिन वही वह बाउंड्री पे कैच आउट हो जाए तब के समझ ही ना आवे हाँ फिर वही फायदा उठाए के मारा ना सब बार बार थोड़ा जो लड़का डिप्लोमा करे रहा थी और बहुत डरा थी नेसेसरी से क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वैकेंसी कम आवत है ऊपर से बीटेक वाले और घुसा है डिप्लोमा वाले देखा जेई में पूरा वहां तक खुला रहा अब खुला बा जेई बा यूपीपीसीएल जेई बा और दुनिया तमाम जेई बाटे बीटेक वाले के एसएससीए में घुसा है और रेलवे में घुसा है बाकी तो जेई उन्होंने नहीं किया है तो मैं उन्हें डराए की कोनो बात न रहे चाहे बाकी एसएससी जेई करे की बात सीपीडब्ल्यू डी में जाए की बात थोड़ा मेन सोन से थोड़ा मेहनत तो करे पड़े अभी ना ही की डिप्लोमा में आए गए और क्यों ना हो केहू से लड़ी ना हमहीन राजा है हमहीन कह ले तो ना हो पाए ना मेहनत करे पड़े अगर बढ़िया चीज चाहे बड़ी पोस्ट चाहे तो मेहनत करे पड़े और मैं चाहे जे आवे अगर वो मेहनत करतवा तो हूँ मेहनत कर सकत है ऐसा नहीं गा कि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं गा मेहनत करवा सब हो इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा हो तो थ्योरी पोर्शन ज्यादा होता है सस्ती में देखो सर पहले रहा कि न्यूमेरिकल रहा एमए जो रहा है न्यूमेरिकल आई रहा 200 नंबर के आसपास 100 नंबर के थ्योरी रहा तो न्यूमेरिकल से फायदा हो जाता है इलेक्ट्रिकल में न्यूमेरिकल से फायदा अब गेट ओट वाले हम पचे तुरंत सॉल्व कर दे और बाकी उतना टफ क्वेश्चन नहीं रहा गेट लायक नहीं रहते अगर एक बार पढ़े है बुक से तो हो ही जाता क्वेश्चन गेट से कम ही लेवल रहा होकर ये बाकी पढ़े है तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उतना नहीं रहते कब एक्सेल निकलवाओ तो कब आर रजिस्टर निकलवाओ लगा था जो डिप्लोमा का लड़का ऐसे आखिरी मुंह पे कही देंगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहा था ऐसा बात नहीं बाकी केवल बीटेक वाले न्यूमेरिकल कही पावती सब डिप्लोमा वाले पूरा सबके लिए आसान रहा था बस ये बात एक बार पढ़े रहे तभी हो ही पावत ये जो मेंस दे रहा 300 नंबर कितने नंबर के अटेम्प्ट करके आए रहे हम अटेम्प्ट करके आए रहे गुरुजी 300 नंबर के पूरा कितना मिला पेन चलावा एकदम हवा में उड़त रही लेकिन करा पूरा अटेम्प्ट लास्ट में ऐसा भवा कि हमारे पास 10 मिनट बचा रहा और क्वेश्चन बचा रहा 30 नंबर के फिर पेन के ऐसे थोड़ा उल पड़ गया था ना लिखत लिखत पेन के ऐसे निकाला अब छोकरे बाल रहा फिर रगड़ा 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दिया पूरा कितना मिला नंबर कितना मिला स्कोर कार्ड का ही नहीं बा स्कोर कार्ड तो नहीं बा कट ऑफ के बेसिस पे अंदाजा लगाओ मैं 110 पाए रहे और ऐसे कट ऑफ 360 गबा जनरल के 390 गबा बाकी रैंक उन लड़कियों से पूछा था बाकी वो लड़के से आगे बा हमारे ओबीसी से तो देखा वो हिसाब से लगा 265 नंबर हमारे 300 में से खींच दे रहे जो जनरल स्टडी आवत थी जीके जीएस तैयार करेगा तो वो सब कहाँ से पढ़ा हाँ हाँ
जीके जी सर हम कतो से नहीं पढ़ा, हम बस क्रेजी जीके का थोड़ा सहारा ले रहे, उसे शॉर्ट ट्रिक उरिक सीखा और का कहती है नाच गाना जो होता है यहाँ कौन गाना होता कुची पुड़ी यही सब होता ना वही सब पढ़े रहे थोड़ा हमारा बीहू छऊ पिया सुई सिनी दुनिया भरे के नाच गाना रहा उका नोट करा पहले और फिर उका एक दिन पढ़ा 10 मिनट और फिर 4 दिन बाद फिर पढ़ा वही ये खत्म। और इसे ही सब हम यूट्यूब से करा सर जी, जो जितना रहा सिलेबस देखा प्रीवियस थोड़ा जाना का क्या हुआ था अवार्ड भ बुक भ करेंट अफेयर्स में जितना भ स्पोर्ट्स भ नाच गाना भ नदी पर्वत पहाड़ नाला जितना भ सब पूरा रटा था सब क्वालिटी में भाई क्वालिटी में भाई वो क्वालिटी उल्टी तो हम सब देखा उत्कर्ष क्लासेस से सीखे रहे ओका वीडियो देखर रहे 1 महीना देखे रहे उसे फिर डेली देखत देखत गुरु याद भी रहा। ठीक है बतावा हम का कब से जाना तो हाँ तो ज्यादा दिन से नहीं जानी तब देखा इंटरव्यू एक लड़किया के तो वही चैनल के नाम देखा हम नहीं जानते रहे कि तू हमारे 10 किलोमीटर दूर ऐसे है। हाँ फिर देखा हम कह रहे गुरु जी तो 10 किलोमीटर दूर से हैं, फिर हमारा मन भवा की चली पासेज दई आई तो फिर एक दिन बात करा आपसे कह नहीं ऑनलाइन ही दे लो ज्यादा सही रहेगा तो हम कह ठीक बा गुरु जी जैसे ना आपकी आज्ञा। अब वही 2023 वाला अक्टूबर में वही वाला हाँ हाँ वही वाला मिला तो फिर भरी सीपीडब्ल्यू डी ना मिला तो फिर भरी तो हाँ तो वही नंबर 10 नंबर से5 नंबर ज्यादा नंबर कम ना हो तो हाँ 10 नंबर मुश्किल से कम हुए तब बस 10 नंबर मजबूत करे तो हाँ से आगे वाले लड़का निकली गए हैं अब तो हाँ उतना मेहनत ना करे पड़े एक बार पूरा चपक के पढ़े है एक बार फिर पन्ना रगड़ी दे आप तो सीधा CPWDA मिले उसे नीचे तो कुछ मिलबो ना करे जौन पहली बार दे जाते हैं पेपर उनका का पहली बार जो दे जाते हैं एक बार उनका यही कहा कि प्रीवियस ईयर जरूर देख ले है अपने आप के राजा ना समझा कि हम डिप्लोमा कर ले बीटेक कर ले हमारा सब उबई कर क्योंकि क्वेश्चन के आइडिया ना ले टेस्ट ना दे टेस्ट सीरीज एक जरूर एक बार दे ले हम गलती करा ना ही दिया हाँ लेकिन हम एक सोल्यूशन वाली PDF के टेस्ट के डाउनलोड कर ले रहे वो प्रीवियस ही वाला रहा क्वेश्चन टेस्ट दे नहीं रहे कोई डाउनलोड करके आइडिया ले ले रहे टेस्ट नहीं दे पावा मन तो हमारा बहुत रहा कि टेस्ट बहुत फायदा मिला था इतना तो हमारा पता हुआ जैसे टेस्ट सीरीज जो जो जरूर दे जो नया लड़का आवत है ये नहीं कि हम कई ले भाई एग्जाम में करब और एग्जाम में करब तो स्पीड में 200 में 150 से 160 से ज्यादा ना कह पाऊबा लिख के ले ले वहीं से 2 घंटा के एग्जाम बाद 200 क्वेश्चन सब वहां पता चल जाए तुरंत पसीना पसीना कह दे। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ के बतिया के और बहुत कम ऐसा इंटरव्यू होता था अपने लोकल लैंग्वेज में कर पाई थे बाकी सब बिल्कुल हम गांव से पढ़े तो नैनी से है लेकिन गांव जात रहे बीच बीच में हम शुरू से नैनी में रहे जब पैदा भरे 1-8 साल के रहे तो मामा हमारे उठाई लिया जबरदस्ती कहे तू हुआ ना पढ़ी पाऊगा तो हाँ टैलेंट ज्यादा बा तू नैनी आवा तो ठीक बा नैनी तो इलाहाबाद में बा ना कहां दूर हां वही तो हमका शहर में थोड़ा पढ़ा थोड़ा शहर के अलग इन्वायरमेंट मिला खींचत चला गए हमेशा फर्स्ट आवत रहे एक बार वही कहानी बा कि 10 में हमा फर्स्ट नहीं करे से टीचर रहा फर्स्ट नहीं करे पैसा वैसा कोनो उकर काम करे थे ख्वाहिश भी आए उन्होंने लड़किया टीचर रहा मदमौला उका फर्स्ट कही रहे हम गए रिजल्ट रिजल्ट ले जाता हूँ रे 10 में थोड़ा 11 में मोटिवेशन रहा कि दाई चली ले आई तो गए ले कहे कि 10 में पाए रहे एकदम 87% नंबर हमका खुशी खुशी गए रहे हमका टॉप करे यूं में गए रहे ले देखा तो उनका फर्स्ट हमारा नाम ही नहीं आई फर्स्ट सेकंड थर्ड में बाकी हाफ एल लिए और टेस्ट वेस्ट में टॉप करते रहे एक दिमाग सनकाम तुरंत मैनेजर ऑफिस गए तुरंत बताओ हमका सर जी एकदम टॉप पे है हर में और फाइनल में हमारे टॉप थर्ड में नाम नहीं हुआ कहन के आई क्लास टीचर हमका बतावा है नहीं है फलाने कहन रुकी जाए हम तो तुरंत सर जी तुरंत उठी गए ऑफिस में तुरंत गए टीचर से मिलन कहन एकर तुरंत एकर फिर से कॉपी चेक करे कोनो गड़बड़ी हो सही से चेक करे कुछ गड़बड़ी निकले तोहर वो टांग तोड़ दे गई और फिर तुरंत हमारा चेक करें दूसरे दिन बुलाएं फिर देहन फर्स्ट के उन समय रहा हमार इतना ही रहा ठीक है बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया रहा हमार बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके और जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा आपको और कौन सी प्रॉब्लम आपकी दूर हुई है अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं अभी और भी टॉपर्स आएंगे जो इंटरव्यू देंगे
और हो सकता है विवेक भाई से डायरेक्ट मुलाकात हो, डायरेक्ट हम लोग सामने सामने बैठ के वीडियो बनावा जाए, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे सफर है बस। हाँ बाकी मेहनत करत रहे, सिलेक्शन जरूर है। लास्ट में यही कहा, हार न माने, जितना लड़का है छोटा बघाड़ा से लेके सलोरी में, कई दे हार न माना गदेला, होए सिलेक्शन। हम यही सोचे रहे, करब तो करब सरकारी नौकरी, नहीं बेचब तरकारी। अपने तरकारी बहुत बिकबुक करती थी। हाँ बहुत बेचात है। चलो ठीक है भैया, राम राम। चलो ठीक है, ठीक बा सर, राम राम।